की बड़ी खबर, राजस्थान में अब फिर से पर्यटन स्थल खुल सकेंगे। तो कल से गुलजार होंगे प्रदेश के पर्यटन स्थल। काफी लंबे समय से इंतजार था, प्रदेश में पर्यटन स्थल कल यानी कि 16 जून से अनलॉक हो जाएंगे। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले सभी राजकीय स्मारकों और संग्रहालयों को पर्यटकों के लिए खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए पर्यटन स्थल खुलेंगे। वीकेंड कर्फ्यू में बंद रहेंगे स्मारक और संग्रहालय। कोरोना गाइडलाइन की पालना भी जरूर करनी होगी। कोरोना के चलते 17 अप्रैल से बंद पड़े थे पर्यटन स्थल। आमेर में 50% क्षमता से शुरू होगी हाथी सवारी। रात्रिकालीन पर्यटन और लाइट एंड साउंड शो अभी बंद रहेंगे फिलहाल। पुरातत्व विभाग के निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। तो एक बड़ी खबर, कल से पर्यटन स्थल फिर से गुलजार होंगे। लोगों को इंतजार था, पर्यटकों को इंतजार था कि वो कब राजस्थान के पर्यटन स्थलों को घूमें। तो 16 जून से वो फिर से अनलॉक हो रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक का ही समय होगा। सभी तरह के संग्रहालय और स्मारकों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हनुमंत सिंह चारण जुड़ चुके हैं। हनुमंत, अपने आप में एक राहत देने वाली खबर है कि पर्यटन स्थल फिर से गुलजार होंगे। पर्यटकों को इंतजार था, जो लोकल लोग हैं उनको भी इंतजार था। किस तरह की गाइडलाइन पूरी जो सामने आई है अभी? जी बिल्कुल, सुधांशु बताना चाहूंगा। जिस तरीके से अब कोरोना का जो दूसरी लहर है वो कहीं कहीं अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, उसी को देखते हुए जो राज्य सरकार ने जो है कल 16 जून से जो है प्रदेश के सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारक जो पर्यटन स्थल है उनको खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनका जो समय निर्धारित किया गया है वह सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। इसके अलावा इस दौरान जो है कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करनी होगी। जैसे अगर पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा तो सैनिटाइज किया जाएगा, इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, मास्क अनिवार्य होगा। साथ ही जो है खास बात यह है कि जो वीकेंड कर्फ्यू है उस दौरान ये पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा जो है आमेर की हाथी सवारी है वो 50% क्षमता के साथ शुरू हो जाएगी। साथ ही रात्रिकालीन पर्यटन और लाइट एंड साउंड शो है वो फिलहाल अभी बंद रखे गए हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं जो पर्यटन स्थल है उनको दोबारा से जो गुजार होने की, जो कई लोग थे जो यह गर्मियों की छुट्टियों की बात करें लंबे समय से कोरोना संक्रमण के दौरान घरों में रहे, तो ऐसे में लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि लोग दोबारा से पर्यटन स्थलों पर जा सकेंगे। लेकिन पूर्णतः सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर पूर्णतः सैनिटाइज किया जाएगा, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। एक साथ एक ग्रुप में 4-5 जनों को अंदर जाने दिया जाएगा, इसके बाद 4 या 5 मिनट के अंतराल के बाद दूसरे समूह को अंदर आने दिया जाएगा। तो पूर्णतः कहीं कहीं कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए खोलने के आदेश दिए गए हैं। ये जो है पर्यटन स्थल 17 अप्रैल से बंद पड़े थे, तो ऐसे में लंबे समय तक पर्यटन को बड़ा नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में राज्य सरकार के लिए भी राजस्व की जो है बढ़ोतरी होगी, साथ ही लोगों को जो है कोरोना के संक्रमण में जो है कहीं कहीं वापस घूमने का मौका। बिल्कुल हनुमंत, अपने आप में एक सुखद खबर है, ये बहुत राहत देने वाली खबर है कि दोबारा से पर्यटन स्थल गुलजार होंगे। और निश्चित तौर पर, लेकिन अब समस्या ये है और चुनौती भी है कि कैसे जो लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, वहां पे कैसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण, जो बता रहे थे कि फिर से यानी 16 जून से पर्यटन स्थल फिर से गुलजार हो सकेंगे।